मोक्षदायिनी पतित पावनी माँ गंगा के तट पर बसा कन्नौज शहर राजा हर्षवर्धन की राजधानी रहा है। कन्नौज अपने गौरवशाली इतिहास के लिए देश भर में जाना जाता है। यहाँ के कस्बों, झोपड़ी, कारखाने और सड़क किनारे बैठे वो शिल्पकार जिनके हाथों की अलबेली दास्तां कहीं कुछ कहती है, कहीं कुछ बुनती है तो कहीं सुगंध बिखेरती है। आज इसी सुगंध की खोज में ईटीवी भारत पहुंचा है कन्नौज, जो मशहूर है अपने इत्र व्यवसाय के लिए। जो इत्र का इतिहास है ये 12वीं शताब्दी से शुरू होता है और 12वीं शताब्दी में आपने भी इतिहास में पढ़ा होगा कि नूरजहाँ कन्नौज के गुलाब से बने गुलाब जल से स्नान करती थी। वही समय है जहाँ से कन्नौज के इत्र उद्योग का शुरुआत कही जाती है और आज इत्र उद्योग जो एक बेसिकली नेचुरल सुगंधित चीज़ों का उत्पादन करता था उसके लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इत्र की खुशबू के लिए मशहूर इस शहर को इत्र की राजधानी भी कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ इत्र नालियों में बहता है। इत्र कारोबार की वजह से यहाँ भीनी भीनी खुशबू हवाओं में महकती है। यहाँ पर तांबे के बड़े बड़े भवकों में गुलाब, बेला, चमेली, गेंदा समेत कई फूलों की आसवन विधि से सुगंध निकाल कर इत्र तैयार किया जाता है। ये पद्धति करीबन 12वीं शताब्दी की है। ये थोड़ा उसका स्वरूप बदल गया है। ये कॉपर के डेग और भपकों में हम इत्र बनाते हैं। पहले उसको स्टीम में करते हैं, स्टीम के बाद उसको हम फिर पानी से कंडेंस करके उससे इत्र बनाते हैं। ये पद्धति जो पुरानी चली आ रही है उसी ट्रेडिशनल पद्धति से आज भी कन्नौज का इत्र बनाया जाता है और जो उसका सोंधापन होता है, जो उसकी एक बेसिक कहना चाहिए प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उसकी उसमें इंटेक्ट बनी रहती हैं। मुगल काल से ही कन्नौज अपने इत्र के लिए मशहूर रहा है। ऐसा माना जाता है कि गुलाब का इत्र मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहाँ को खासा पसंद था। गुलाब के इत्र के बारे में मुगल बादशाह जहांगीर का कहना था कि किसी दूसरी खुशबू से इसकी बराबरी नहीं है। ये टूटे दिलों को जोड़ती है और बेचैन रूहों को सुकून देती है। सब अलग अलग है, क्वालिटी के हिसाब से जैसी मांग होती है उस हिसाब से बनाते हैं। महंगे में तो जैसे गुलाब का है, रू गुलाब है 8 लाख रुपए kg, 9 लाख रुपए किलो का है। शमामा 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए किलो तक का आता है। महंगा ऊद आता, दहनल ऊद आता है, वो महंगा होता है, वो 12 लाख 15 लाख रुपए kg का होता है। अपने कन्नौज में सबसे हाईएस्ट इत्र कौन सा होता है? इसके रुगुलाब का ही है मेन, 8 लाख रुपए किलो के आसपास होता है। गुलाब के अलावा यहाँ देश का सबसे महंगा इत्र अदर ऊद भी बनाया जाता है, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए किलो तक होती है। कन्नौज का इत्र देश के अलावा यूके, यूएस, सऊदी अरब, ओमान, इराक, ईरान समेत कई देशों में सप्लाई किया जाता है। विदेशों में जाता है जहाँ ज़रूरत पड़ती है, लोग लगाने के काम आता है, कहीं ऐसे ऐसे काम में आता है, ये सब चलता है। और अपने यहाँ इंडिया में भी बहुत खपत है इसकी। मसाला है, गुटखा है, तंबाकू है, इसमें सब लगता है, खुशबू लगाने के काम आती है। जैसे किन किन शहरों और देशों में? दुबई मिडिल ईस्ट में जाता है सब ज़्यादातर, और सऊदी वही मिडिल ईस्ट में पूरा इसको सप्लाई होता है। तो अगर आप भी कभी कन्नौज जाइए तो यहाँ से इत्र खरीदना ना भूलिएगा। ईटीवी भारत के लिए कन्नौज से गोपाल तिवारी की रिपोर्ट।